वो जमाना चला गया जब स्टोन पेंटिंग होती थी, पड़ोसी देश हड़ताल की तिथियां घोषित करता था, कैलेंडर घोषित करता था, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय चलते नहीं थे। अब आम आदमी चैन की सांस ले रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, घर परिवार में समृद्धि आवे इस काम में जुटा है, और केवल इनके साथ नहीं बल्कि टेरर फाइनेंसिंग और रिक्रूटमेंट पर भी अंकुश लगाने में फोर्सेस काफ़ी सफल हुई हैं। उस सपोर्ट सिस्टम को निष्क्रिय करने की काफ़ी कोशिश हुई है और अब तो घर भी ढाए जा रहे हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा तब तक जब तक आतंकवाद का आखिरी निशान भी यहाँ समाप्त नहीं दबा हुई है। कश्मीर समाज के अभिन्न अंग और उसकी नींव कश्मीरी पंडित भाई बहनों को रातों रात अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। उन्होंने जो अत्याचार सहे उसकी कल्पना मात्र से कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आतंक के उस तांडव ने किसी धर्म, किसी मजहब और किसी वर्ग को भी नहीं छोड़ा। फिर स्वाभाविक सवाल उठता है कि इससे फायदा किसका हुआ। फिल्म में भी हमने देखा कि जब महाराजा ने तय कर लिया, और केवल महाराजा ने नहीं तय कर लिया, जम्मू कश्मीर की जनता ने तय कर लिया कि हम भारत के अटूट अंग हैं, तो फिर यह साजिश किसने की, ये आग किसने लगाई? इसका जवाब जम्मू कश्मीर का हर नागरिक जानता है कि फ़ायदा सिर्फ उन्हीं चंद लोगों को हुआ जिन्होंने अलगाववाद की आड़ लेकर अपने स्वार्थ के खातिर मानवता के खिलाफ सबसे बड़े गुनाह में हिस्सेदारी ली, जिसकी वजह से परिवार के परिवार उजड़ गए। आम जनता हमेशा से चाहती थी कि परिस्थितियां बदलें, लेकिन जानबूझकर यथास्थिति को बनाकर रखने की कोशिश की गई। पाकिस्तान से निर्यात किए हुए आतंकवाद ने धरती के इस वर्ग को तबाह करने की पूरी कोशिश की। शुक्र है कि 5 अगस्त 2019 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने एक दृढ़ निश्चय लेते हुए एक फैसला किया, और मैं समझता हूं कि आने वाला इतिहास इस बात का साक्षी होगा, पूरा राष्ट्र उनका कृतज्ञ होगा इस ऐतिहासिक फैसले के लिए। और मैं मानता हूं कि ये जो कलंक लगा हुआ है इस जम्मू कश्मीर के माथे पर, यह निश्चित रूप से समाप्त होगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि परिस्थितियां काफ़ी बदली हैं, पुनः यहां के लोग ऊर्जा के साथ, जीवंतता के साथ अपनी ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में जाना जाता था। आज यहाँ की फिजाओं में तरक्की के ख्वाब तैर रहे हैं।